गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ। तो बेटा कल हम पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में बेटा हमने सब पढ़ लिया था और हमने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा लास्ट टॉपिक छूटा था बेटा। उससे पहले हम पढ़ रहे थे मोशन इन 1D प्लान और मोशन इन 2D प्लान। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते। सब लोग मेरी तरफ देखना, ठीक है? मेरी तरफ, हाँ, और किसी के तरफ नहीं, मेरी तरफ। हर्षित, खास कर तुम देखो। तो हमने देखा था कि कैसे जो है मोशन इन 1D प्लान, मोशन इन 2D प्लान के न्यूमेरिकल। मुझे भी कुछ नहीं आता। हाँ ये कर लो। हर्षित तुम दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो और तुम्हारे साथ साथ अश्विन, प्रणव सब। और एक क्लास को मारूंगा एक दिन। चलो ध्यान से देखो। तो हमने कैसे देखा था कि मोशन इन 1D का न्यूमेरिकल मोशन इन 2D के न्यूमेरिकल से थोड़ा बहुत सिमिलर और थोड़ा बहुत डिफरेंट था। यस सर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बेटा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मुझे भी कुछ नहीं आता। खड़े हो जाओ हर्षित। सर खड़े जाओ। सर बस थोड़ा सा प्लान कर रहे थे। क्या प्लान कर रहे थे? कि एग्जाम में पास कैसे होना है, चीटिंग करके पास होना है, ये प्लान कर रहे थे? या टीचर से कोचिंग पढ़कर पास होना है, ये प्लान कर रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है सर। और क्या गारंटी है कि भूषण आप क्या कोचिंग पढ़ता है तो आप उसे पास करा देंगे? हैं, बोर्ड की कॉपी आप नहीं चेक करेंगे और खासकर हमारे स्कूल की कॉपी तो बिल्कुल भी नहीं। जवान लड़ा रहा है, हैं? अरे देखिए, टॉपिक आपके लिए टफ होगा, मेरे लिए नहीं। इतने छोटे से कॉन्सेप्ट को दिमाग में माउंट एवरेस्ट बना के समझाएंगे तो घंटा समझेंगे हम। हर्षित भाई का राजमा क्लास मजामा। हैं? ज्यादा साणा बन रहा है? चुप। चल प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सप्लेन कर पूरा क्लास के सामने। सर प्रोजेक्टाइल मोशन वही है जो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के नियर हो और कर्व पाथ में मोशन करे ग्रेविटी के कारण। लाइक एग्जांपल लेते हैं अपने दैनिक कामों का। सर जैसे हम पेशाब करें, यू नो, मैक्सिमम 90 डिग्री एंगल पे। हैं? पेशाब क्या बोल रहा है? अच्छा हिंदी से दिक्कत है। चलिए ऐसे बोल देता हूँ, when we are going for urination, then the path found by that urination is called trajectory and the maximum angle at that point is 90 degree. क्या बोल रहा है? ये बताया था मैंने, ये बताया था मैंने। भूषण हटाओ इसको। क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? सर प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ फॉर्म ऑफ मोशन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ सरफेस। सर प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ फॉर्म ऑफ मोशन द सर मैंने याद किया सर, मैं सुनाता हूँ। सर मैंने याद किया, मुझे पूरा लर्न है सर। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ फॉर्म ऑफ मोशन विच इज एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट। सर ये लास्ट है सर, इस बार पक्का। सर प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ फॉर्म ऑफ मोशन विच इज एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट विच इज प्रोजेक्टेड नियर द अर्थ सरफेस एंड इट मूव्स अलोंग द कर्व्ड पाथ बाय द एक्शन ऑफ अंडर ग्रेविटी एंड द पाथ फॉलोड बाय देम इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। वाह
गुड, बैठ जाओ। अरे ये पढ़ाया था मैंने, कहाँ बोला इसने कि यूरिनेशन और पेशाब में प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, बोला इसने? बड़ा आया पेशाब में यूरिनेशन। वाकई सर, आपकी समझने की शक्ति ना एकदम जीरो हो चुकी है। ये नहीं, जीरो। चुप। बाहर निकल। जवान लड़ाता है, इतनी देर से कंट्रोल करते जा रहा हूं, बोलता जा रहा है। साला रट्टू बोल रहा है मुझे। अर्षद भाई, क्या हुआ प्रणव? और अश्विन? हेलो सर भाई, कैसा है? अरे यार, आज तो कुछ ज्यादा ही डीजे फैल रहा था। हम तक तो ठीक था, अपने बच्चन पे हाथ उठा दिया साला। कुछ ज्यादा ही फैल रहा है डीजे यार, सच में। अर्षद भाई कहाँ है? अंदर। चल आ जा, बैठ भाई। आ जा बैठ, आ जा आ जा। अबे यार, आज तो कुछ ज्यादा ही डीजे फैल रहा था। बताओ, हम तक तो ठीक था, अपने बच्चन पे हाथ उठा दिया उसने। अरे तू छोड़ ना भाई उसे, हो गया, बात खत्म कर। अरे वही बोल रहा हूँ मैं, देख लेंगे डीजे का क्या करना है, छोड़ ना। तू करेगा? नहीं, तू करेगा मतलब साथ में मिलकर कुछ कर लेंगे, हो जाएगा सोल्यूशन, कुछ ना कुछ तो हो ही आएगा। वही तो मैं समझा रहा हूँ, कुछ कर लेंगे डीजे का साथ में मिलकर मतलब। और वैसे भी हर्षित डालेंगे, छोड़िए टेंशन वेंशन, तेरे चेहरे पर सूट नहीं करता। वैसे भी तो अपने क्लास का बच्चन है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, समझा? अरे लाला, दर्द हुआ? अच्छा छोड़, ठीक है, हो गया। तुझे तो दर्द हुआ नहीं होगा, तू तो मर्द है ना? नो, मजाक कर रहा था। और वैसे भी मेरी जान, मैं क्यों टेंशन में होऊंगा?
मैं तो बस ये सोच रहा था कि डीजे को निकालना कैसे है। इवन मैंने सोच भी लिया है। बोल फिर भाई मेरे, बोल। उसके लिए सभी के सपोर्ट की जरूरत है। अब हमसे सपोर्ट की बात कर रहे हैं, पिछले 7 सालों में ये ठक ठक क्या हो रहा है? बगल में वर्मा जी के घर में ठुकाई चल रही है क्या? हाँ तो मैं क्या कह रहा था, पिछले 7 सालों में 54 बार अंडरवेयर तो दे चुका हूँ तुझे मैं अपनी, 54 बार, 54 फिफ्थ क्लास से। और आज हमसे सपोर्ट की बात कर रहे हैं, जब भी तेरी गीली रह जाती थी या रगड़ से फट जाती थी, समझा? आज सपोर्ट की बात कर रहे हैं क्या अश्विन भाई? वैसे कैसे जल्दबाजी की रगड़ से फटती थी? अबे गधों सुनो, मैं पूरे क्लास की सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, यू नो, पूरे क्लास की सपोर्ट, एक एक बच्चे की सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो ऐसे बोलना भाई, क्या है यार? अरे क्या बोल रहे हैं अश्विन भाई, चड्डियों की रगड़ हो गया यार, प्लीज। ऐसा क्या करने वाला है तू जिसमें पूरे क्लास की सपोर्ट की जरूरत पड़े? अगर हमें डीजे को निकालना है तो हमें करना होगा मास बंक भाई। तीन लोग का मास बंक नहीं होता, समझा? तुम्हारे मास बंक में कौन रहेगा? हम, प्रणव और तू। तो तीन लोग का मास बंक नहीं होता, और इस मास बंक में तू पूरे क्लास के सपोर्ट का क्या करेगा? हाँ अबे बावली बैल, मैं पूरे क्लास की मास बंक की बात कर रहा हूँ, द बिगेस्ट मास बंक इन द हिस्ट्री ऑफ आवर स्कूल, इवन नॉट इन आवर स्कूल, इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बिगेस्ट मास बंक, बिगेस्ट टू द बिगेस्ट, बिगेस्ट मास बंक इन विच होल क्लास इन्वॉल्व्ड इन दैट मास बंक, और वो हम करेंगे तभी डीजे को पता चलेगा और तभी डीजे निकलेगा। बस हर एक घंटा का बिगेस्ट मास बंक। देख भाई हर्षित, हम तुझे बच्चन कहते हैं पर तू है नहीं, समझा? कि बस बोल दिया, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से लगना शुरू हो जाती है भाई। ये सिर्फ फिल्मों में होता है, समझा? रियल लाइफ में नहीं। अरे चूतिए, यहां लाइन लगाना नहीं है बल्कि लाइन बना के साथ में भागना है। कोई नहीं मानेगा भाई, सच बोल रहा हूं, अगर हम मिलकर साथ में भागेंगे तो सब साथ में भागेंगे, बस उन्हें अगर सही डायरेक्शन मिला तो। भाई तुझे लगता है कि इसके लिए अपनी पूरी क्लास तैयार हो जाएगी? और तू कर लेगा ना? हर्षित की चाल की धार पर भरोसा रख लाला, अच्छो अच्छो की कट जाती है इसके सामने, समझा? बस अब तू देख। हेलो डियर्स फैमिली, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू गॉड जो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं थ्रू यूट्यूब कनेक्शन। और पिछले वीडियो एपिसोड 1 पर आप सभी ने 200 प्लस लाइक कर दिए हैं, इसलिए आप वीडियो देख रहे हैं। कोशिश जारी है बढ़िया कंटेंट देने की, तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस इतना ही कहूँगा। इस वीडियो जो ये आप देख रहे हैं मास बंक एपिसोड 2, ये भी अभी कंक्लूजन नहीं है, अब एपिसोड 3 आएगा और वो इस वेब शो का कंप्लीट कंक्लूजन होगा उस वो वीडियो। तो एपिसोड 3 के लिए आपको दिखाना होगा थोड़ा प्यार। प्यार कैसे दिखाएंगे? जैसे पिछले वीडियो पे 200 करवाए थे, ऐसे इस पे एपिसोड 2 पे आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, 221, सुबह सुबह रखते हैं 221 लाइक। तो 221 जैसे ही होगा तुरंत आपको एपिसोड 3 और कंक्लूजन होगा वो इस वेब शो का। तो बस आप 221 लाइक करवाइए और एपिसोड 3 पाइए इसी चैनल पर।
ठीक है। तो बस गाइज आपको 221 लाइक करवा देना है एपिसोड 3 के लिए, जैसे ही होगा आई विल अपलोड इट, और अगर नहीं भी हुआ तो अपलोड कर दूंगा, बट तब तक आप 221 करवाइए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, उंगली बढ़ाते हैं, करें भी करवाएं भी। तब तक मैं आपके लिए एपिसोड 3 बनाता हूँ और नए प्रोजेक्ट के बारे में सोचता हूँ। ओके चलो, लव यू।